नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमेकर। देख सकते हैं मेरे पीछे साइड में डीबी है, ये 3 डीबी बैठा है। हम आज आपको एक सिंगल डीबी का फ्रेम बना के दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये रेडीमेड वाला फ्रेम है और इसका थोड़ा हमको खामी लगा। ये जो क्या है कि ये एक पीस है और ये वाला एक पीस है, ये आपस में जॉइंट कर दिया गया और इसमें होल कर दिया गया, कटिंग कर गया। लेकिन हम जो आपको दिखाएंगे वो सिंगल पीस में कैसे स्क्वायर आप बना सकते हैं वो सीख सकते हैं ये वीडियो से। तो बिना टाइम गवाते सीधे चलते हैं वीडियो के ऊपर। कटिंग हमने कुछ इसी तरह का कर लिया है। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने ड्राइंग पहले से बना लिया है। देखिए 150 का ट्रंकिंग में हम इसको बनाने वाले हैं और जिसका चौड़ाई होता है 785 mm और लंबाई होता है 1025 mm और वो एंड में हम 10 mm का एक पीस रखा है। तो पहले इसको वापस में जोड़ लिया जाता है। जोड़ लेने के बाद हमको कितना बड़ा पीस चाहिए वो हिसाब से हम पहले का फुल पीस कट करेंगे। तो देख सकते हैं ऊपर में मैं जोड़ लेने के बाद 3480 mm हुआ। तो पहला भी का जो सेंटर होता है 1035 mm होना चाहिए, उसके बाद 785 mm, उसके बाद 1025, उसके बाद 635 mm। फ्रेंड्स, ये 1035 इसीलिए और ये 1025 इसीलिए, ये एक्चुअली उसका मेजरमेंट है। ये 10 mm हम ऊपर में रखा है और ये वाला से 150 mm कम है। तो वही हिसाब से हम पहले देखिए दोस्तों, देख सकते हैं ये 1035 mm असल में है, वो साइड थोड़ा टेप टेढ़ा बोल के लग रहा है ऐसा, नहीं तो ये 1035 mm है। उसके बाद दोस्तों 785 mm देख सकते हैं और उसके बाद 1025 mm, ये 1025 mm और यहाँ लास्ट में होता है हमारा 635 mm। इसी हिसाब से हमने जोड़ के पहले से कटिंग करके मार्किंग कर लिया। अभी वी कट करने का बारी है, वी कट करेंगे उसके बाद वापस में राइट एंगल करके जोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं, देख सकते हैं ये सभी को हम फाइल मार के हटाना चाहिए क्योंकि ये वायर फायर जाने के लिए दिक्कत होगा, जैसे कि स्क्रीन हो सकता है।
पंजन के पास। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जो हिसाब से कटिंग किया था वो बराबर हो गया, थोड़ा बहुत इधर इधर गैप है। तो ये इसका ये जगह भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा कंडीशन है। ये जगह भी ऐसा कंडीशन है और ऊपर का इधर हमने जॉइंट मार लिया।